आसाम में जो आजकल हालात हैं आप लोग देख रहे हैं, एक विभाजन की राजनीति चल रही है। एक ऐसा कानून लाया गया है जो सिटीजनशिप देने के नाम से आसाम के लोगों में विभाजन का एक माहौल तैयार किया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं आने देंगे जो संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, जब तक वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे, इस देश के नेता रहेंगे, हम ऐसे किसी कानून को लागू नहीं होने देंगे इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप लोगों ने देखा हाल ही में एक ट्रिपल तलाक का कानून आया और उस कानून के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया कि मुसलमान महिला को मुसलमान आदमियों से लड़ने का एक, मैं मानती हूँ, माहौल तैयार किया। बहुत लोगों ने हमें समझाया कि ट्रिपल तलाक बिल अगर पास होगा तो महिला का सशक्तिकरण होगा, पर हमने उस ट्रिपल तलाक कानून का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो एक और हथियार है, वो एक और हथियार है जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया है मुसलमान पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थाने में खड़ा कराने के लिए। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे।